Okay, now we want to discuss the thermal stresses of bars in bars of varying section. मतलब जिनका cross sectional area change हो. मतलब let's suppose इसका cross sectional area A1 है और इसका cross sectional area A2 है. अब इनका cross sectional area uniform में नहीं है. पहले cross sectional same था, फिर cross section taper हुआ, now it is non-uniform और ये different uniform तो है but same नहीं है. So, इसमें हमें पता है L1 is equals to length of AB हमारे पास L2 आ जाएगा length of BC ठीक है A1 area of AB A2 area of BC इसी तरह हमारे पास stress sigma 1 is equals to stress in AB stress in BC. ये हमारे पास कुछ चीजें हैं. अल्फा as usual हमारे पास coefficient of linear expansion है. Coefficient of linear expansion and ये हमारे पास modulus of elasticity है. T हमारे पास temperature change है. So all the things are vector norm. अब हमारे पास area different है. जब भी इसके अंदर temperature बढ़ेगा तो ये क्या होंगी? Expand होंगी. Expand होंगी तो fixed force जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई force लगाएगी P. ठीक है जी. Support क्या लगेगी? दोनों तरफ से पी सपोर्ट फोर्स लगेगी तो वो इन्हें क्या करेगी? इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करने की कोशिश करेगी. ये पी जो होगी अगर ये फिक्स है दोनों तो ये यूनिफॉर्म होगी. यानी अगर हम बात करें कि सिग्मा वन विल बी इक्वल्स टू पी ओवर ए वन और सिग्मा टू विल बी इक्वल टू पी ओवर P1, P2 क्यों नहीं कहा? क्योंकि दोनों फोर्स जो फिक्स हैं और वो यूनिफॉर्म हम अज्यूम कर रहे हैं कि लगाएंगे फोर्सेस. तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा वन ए वन वुड बी इक्वल्स टू पी एंड सिग्मा टू ए टू इज इक्वल्स टू पी. या हम कह सकते हैं कि सिग्मा वन ए वन जो है वो सिग्मा टू ए टू के बराबर है. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ वन को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ टू के. सिंपल स्ट्रेस के इक्वल नहीं है. सो दिस इज अवर वन इक्वेशन. इसी तरह हमारे पास जो चेंज इन लेंथ होगी दैट इज डेल्टा एल वो किस चीज का सम है? डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू का. यानी यहाँ पे जितना चेंज आएगा प्लस यहाँ पे जितना चेंज आएगा इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल चेंज आ जाएगा. अच्छा डेल्टा एल का हमारे पास फॉर्मूला था एल अल्फा टी. ये अल्फा टी किसके बराबर होता था? इसको हम लिख सकते हैं एल इंटू एप्सिलॉन क्योंकि अल्फा टी किसके बराबर था? एप्सिलॉन के. लेकिन हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन और यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है स्ट्रेस ओवर ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो हमारे पास डेल्टा एल बराबर हो जाएगा एल डॉट स्ट्रेस ओवर ई. ठीक है एप्सिलॉन को हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा वन इक्वल टू सिग्मा वन एल वन ओवर ई वन प्लस सिग्मा टू एल टू ओवर ई टू. अब हमने ई इसमें कॉमन क्यों नहीं ले गया या एच हमने क्यों नहीं रखा? क्योंकि दो मटेरियल्स अगर डिफरेंट हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है और अगर मटेरियल भी डिफरेंट है तो उन दोनों के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो होगा वो डिफरेंट होगा. ओके okay?